गुड मॉर्निंग क्लास, मैं प्रभात कुमार, बालाजी आईटेक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैंने यहाँ पर इससे पहले परसेंटेज के विषय में दो भाग पढ़ाए थे, प्रथम भाग द्वितीय भाग। प्रथम भाग में सिंपल क्वेश्चन कराए थे, द्वितीय भाग में थोड़े मिक्स क्वेश्चन कराए थे। आज द्वितीय भाग में उससे अलग मिक्स क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा मैंने समय कम खत्म करने के लिए हमने क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर किसी शोल्डर में 35% टिन है तथा 65% सीसा है। यदि शोल्डर में टिन की मात्रा 14 ग्राम हो तो शोल्डर का कुल भार, एक शोल्डर ले लीजिए हम, तो एक शोल्डर हल्का लेंगे, इसमें 35% वाला टिन और 65% सीसा, सीसा ज्ञात होती है उसका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर का भार ज्ञात करना है, जबकि शोल्डर में टिन की मात्रा, शोल्डर पर टिन की मात्रा देखिए 14 ग्राम। तो माना शोल्डर का भार, शोल्डर की जो पूरी चीज है ये शोल्डर है, शोल्डर माना शोल्डर का भार x मान लेते हैं, यहां पर x है बराबर x। अब हमें टिन की प्रतिशत, टिन की प्रतिशत, टिन किसमें है, टिन तो है से इसमें युक्त है, इसके अंदर है, तो 35% है टिन की परसेंटेज। और टिन का भार निकालने के लिए टिन का भार आ गया 35% और 150 गुना कितने, किसमें है टिन, एक्स जो कि शोल्डर है एक्स, तो ये हो गया 35x/100, ठीक है। जबकि हमारे पास शोल्डर का भार कितना रखा था, शोल्डर भार में रखा है 14 ग्राम, तो 35 × 100 एक्स शोल्डर भार आते रहे 14, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको कैलकुलेट करके करेंगे, इनका भार जिनका आया हमारे पास, क्योंकि 35% टिन है और टिन का भार हमें दे रखा है जो कि शोल्डर में कितने ग्राम है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम बराबर 35x/100। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, x हमारा शोल्डर का भार है और हमें वही ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1400 × 35, तो यहां पर आ जाएगा 40 ग्राम। शोल्डर का टोटल शोल्डर का भार कितना आ रहा है 40 ग्राम। क्लियर, एक बार देख लीजिए फिर से, ये पूरा शोल्डर धातु देती है, एक पूरा शोल्डर दे रखा है, इसमें 35% टिन है और 65% सीसा है, तो यहाँ पर हमें पूछा है शोल्डर का भार, जबकि शोल्डर में पूरा शोल्डर है, इसमें जो टिन का भार रखा 14 ग्राम दे रखा है, और हमें पूछा है शोल्डर भार, केवल टिन का भार दे रखा है और पूरा शोल्डर भार पूछा है, तो मान लें शोल्डर भार एक्स है, टिन की परसेंटेज 35% दे रखी है, ठीक है। हमें टिन का भार निकालने के 35% हटाने की 100 से भाग कर दिया, अब जो टिन परसेंटेज है वो पूरा शोल्डर का ही होगा, कितना होगा तो कहां से गुणा एक्स जो कि भार है 35x हो जाएगा, क्योंकि हमें टिन का भार दे रखा 14 ग्राम, हमने बराबर रख दिया, क्योंकि टिन का भार हमने क्वेश्चन से निकाला था और गिवन क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसी प्रकार एक्स का मान निकाला 14 ग्राम, तो शोल्डर का भार कितना आ गया, शोल्डर का भार 14 ग्राम, ये आंसर। हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चीनी के दाम 10% गिर गए, पहले की बड़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीद जाने वाली राशि, मतलब पहले जो कीमत थी उस पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जा रही थी, अब 10% गिर गई, तो अब चीनी कितने क्विंटल खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो हम कमी कितनी हुई 10%, तो पहले मान लें मूल्य कितने, प्रारंभिक मूल्य थे x, मान लें x, तो अब कमी हुई, किसमें कमी हुई, उसी दाम पर कमी हुई, तो नए मूल्य
चीनी का कितना हुआ, पहले एक्स की उसमें 10% कमी कर दी, तो 10% कमी किसकी कमी, उसी एक्स की गुणा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10/100 एक्स, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x 100x 100x माइनस 10x बटे 100, तो ये हो जाएगा 90x बटे 100, ये हो जाएगा 9x बटे 10। अब नया मूल चीनी का जो आया है, जब 10% गिरावट हुई, जब 10% गिरावट हुई, पहले मूल x था, अब 10% गिरावट होने पर नया मूल 9x बटे 10 हो गया नया मूल। अब हमें इस मूल के हिसाब से चीनी खरीदनी है, पहले चीनी का क्विंटल 18 क्विंटल चीनी कितनी आ जाती, x गुणा 18 बराबर 18x, ठीक है। अब चीनी खरीदा, नई चीनी खरीदी जाएगी वो इसके साथ खरीदी जाएगी, तो x का मान निकालने के लिए हमें अपने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दें।
कोई प्रॉब्लम हो बताएं।